हेलो 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 हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की का वीकली व्लॉग। आज पहले तो यार हेयर कट बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। दिस इज़ आई थिंक माय फर्स्ट व्लॉग आफ्टर दैट हेयर कट व्लॉग, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बट गाइस, मेरी लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स जो मुझे आज इस व्लॉग में आप लोगों को अपडेट करना है, शेयर करना है। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेरे ना ऊपर स्टूडियो में, मैंने आपको पिछले किसी व्लॉग में बताया होगा कि बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आ गई थी। आई डोंट नो व्हाई, बाहर से कोई छेद था फॉल सीलिंग के अंदर से, जहाँ से वो घुस के उन्होंने इस पूरे आधे साल में, अभी जून में है, हम अपना छत्ता बना लिया, जो ब्लैक वाली बीज होती है। एंड हमने इतना कुछ ट्राई किया, लाइक पूरी दुनिया भर की चीजें ट्राई कर ली है, बट वो जा नहीं रही है। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज उनका जो रास्ता है वो बंद करना। तो हमने आज एक मिस्त्री को बुलाया है जो पूरा अंदर से ना सीमेंट पीओपी लगा के, जो फॉल सीलिंग के अंदर का स्पेस है जहां से सपोजिडली या एलिजिडली या फिर एक स्पेक्यूलेशन है कि वो आ रही है, उनका रास्ता हम बंद कराएंगे। सो वी हैव कॉल्ड हिम, वो आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। दिवाकर विल मॉनिटर एवरीथिंग के सब ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। आई थिंक ये बिल्डर फ्लैट वालों के साथ होता ही है कि बाद में आपको घर की थोड़ी बहुत कमियां पता चलती है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस मैं हाउस टूर नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज आई न्यू कि कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। मैं इतनी ज़्यादा रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में रह चुकी हूँ कि मुझे पता है कि घर में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। एंड सबसे बड़ी समस्या होती है सीलन की, सीलन पीछा नहीं छोड़ती है। तो तभी मैंने पीछे अच्छे अच्छे टाइल्स वगैरह लगाए थे जहाँ पे भी मुझे था कि सीलन आ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ साइड में ना एक वुडन स्ट्रक्चर है, वहाँ से पानी ऐसे टपक टपक के वो पूरा खराब हो गया था। एंड वुड के अंदर या जो वो बोर्ड होता है लकड़ी का, उसके अंदर सीलन आ गई थी। तो हम वो पूरा चेंज करा रहे हैं, वी आर जस्ट रिपिंग द हाउस अपार्ट। ऑल्सो पापा के यहाँ पे भी ऐसा कुछ इशू हो रहा है, तो वो भी हमें तोड़वाना है एंड दोबारा से बनवाना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना शो यू गाइस इन दिस व्लॉग। ऑल्सो इट्स जून, माय बर्थडे इज इन जुलाई, अभी काफी टाइम है, बट आई वॉन्ट टू प्लान फॉर द बर्थडे सीरीज विच आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट व्लॉग। मैं काफी सारे चीजें लिख के बना रही हूँ बिकॉज दैट इज हाउ आई फंक्शन। मेरी मॉम का कुछ प्लान है मेरे बर्थडे से रिलेटेड जो हमें आज के दिन एग्जीक्यूट करना है। लिटरली सो मेनी थिंग्स हैपनिंग टुडे, बट ये भी प्लान आज ही हम इंक्लूड करेंगे। सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दिस क्वर्की का वीकली व्लॉग। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, इट इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, आई एम इन द किचन राइट नाउ एंड दिवाकर विल टेल अस आज के हम घर में मेरा फेवरेट नाश्ता न्यूट्रीला पराठा कैसे बनाते हैं। ही हैज़ वर्कड इन द पास्ट इन अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड ढाबास, तो उसको काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज आती है। तो अभी वही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किया डुबाया पानी में, पानी में डुबाया इसको, निचोड़ रहे हैं। हाँ, निचोड़ने के बाद इसको बस ऐसे करना है। हाँ, पानी नहीं है, ये सोया चंक्स है छोटे छोटे वाले जो एक पैक आता है। और इसको फिर हमने 5 मिनट, 2-3 मिनट के लिए माइक्रो करना है। ठीक है, ताकि उसका पानी अपने आप निकल जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं पूरे, सारा पानी निकल गया हमारे सोया चंक्स का। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड यहाँ हमने सारे मसाले निकाल लिए अच्छा सा फिलिंग बनाने के लिए। जैसे हमने ये 2-3 मिनट माइक्रो में कर दिया, अब इसको हम लोग प्लेट पर प्लेट लेंगे। आधा टीस्पून, आधा से थोड़ा कम अजवाइन डालेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा रेड चिली। ठीक, आपने डालना धनिया। इसमें बाकी सब्जियां भी डाल सकते हैं ना। आदित्य खाते नहीं है प्याज। आदित्य क्यों बोल रहा है मेरे को वीडियो में? गुड्डू बोल रहा है। अच्छा, गुड्डू ही बोलूं ना। हां, तो इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड्डू प्याज खाती नहीं है। और हरी मिर्च भी नहीं खाती है। हरी मिर्च डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, कट छोटे छोटे काट के। बट हम धनिया और ये मसालों के साथ ही बनाते हैं। ये हो गया, बहुत इजी है। मिक्स कर लिया हमने। गाइस, मैं प्याज वैसे हर चीज में खा लेती हूँ, पता नहीं क्यों। न्यूट्रीला पराठा, कुछ कुछ चीजें होती है जिसमें मेरा मन नहीं करता है, सो इसलिए इस वाले में आई नीड इट प्याज फ्री, आई जस्ट नीड धनिया। और वो जो मसाले का टेस्ट होता है, ऐसा लगता है जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, जो कीमा वगैरह खाते ना, वैसा टाइप का टेस्ट आता है, बहुत सही होता है। हम घर में एक न्यूट्रीला मटर की भी सब्जी बनाते हैं, आई डोंट नो अगर मैंने उसकी रेसिपी शेयर किया नहीं की है, बट वो भी बहुत टेस्टी होती है। एकदम ऐसे चिकन और मटन कीमा टाइप का टेस्ट आता है सोया से, सो अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर वेजिटेरियंस। बट लेट्स मेक इट। हमारा मसाला हो गया है फुल ऑन रेडी। थोड़ा सा नमक भी डालना है गाइस, स्वाद अनुसार। थोड़ा सा व्हाइट वाली। अब हो गया मसाला फुल ऑन रेडी। उसके बाद आटा लेना है गोली बनाने।
फिलिंग भरना, जितना हो सके भर लो। ऐसे ऐसे बना के लॉक कर लेना अंदर। फाइनल टच और उसके बाद दही डाल के प्लेट सजा देना। या इसके साथ गाइस मैं ग्रीन चटनी और दही लेती हूँ, बहुत अच्छा मिक्स करके ना कॉम्बिनेशन आता है। आई डोंट टेक एनी बटर और एनीथिंग, बट काफ़ी टेस्टी हो जाता है। हियर कम्स दही। एंड माय ब्रेकी इज रेडी। I just washed my face, wore some earrings. This is the t-shirt that I'm wearing today. It says Louis Kitten. Me and my mom are going to some place special, जो मम्मी अभी आप लोगों को बताएगी, but I need to get ready. मेरा मेकअप करने का बिल्कुल ज्यादा मन नहीं है। गर्मियों में वैसे ही आप बाहर जाओ तो एकदम से स्वेट तो निकल आता है विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, एंड मेरा फेस काफी यहाँ इस रीजन में स्वेट करता है। एंड इसी रीजन में आप देख सकते हो मुझे पहले भी काफी एक्ने हुए पड़े हैं, जिनके मार्क्स काफी पहले से फेड हो गए हैं। बट ये एक्ने और एक्ने मार्क्स की दो प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है आपके लिए, जो काफी ज्यादा हैसल फ्री है, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने ऊपर लेयर नहीं करने पड़ते हैं। सो द डर्माको हैज कम टू आर रेस्क्यू विद द पावर ऑफ टू विद इट्स सैलिसिनामाइड रेंज। नाउ दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग एक्ने एंड एक्ने मार्क्स टुगेदर। सो अपना स्किन केयर रूटीन मैं स्टार्ट करती हूँ विद द डर्माको सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश, जिसमें पावर है 2 एक्टिव्स के, 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नायसिनामाइड, जो कि हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल हटाता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ब्रेकआउट्स, पोर्स को अनक्लॉक करता है एंड फेड्स अवे एक्ने मार्क्स लाइक अ प्रो। इसके बाद आई अप्लाई द डर्माको सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने सीरम, विच कम्स विद द पावर ऑफ 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नायसिनामाइड। एंड ये सिर्फ एक्ने ही रिड्यूस नहीं करता है, बट ऑल्सो ट्रीट्स एक्ने मार्क्स साइमल्टेनियसली। ये दोनों ही काफी हार्डवर्किंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जब साथ में आते हैं द रिजल्ट इज क्लियर स्किन। मैं प्रोडक्ट्स को काफी टाइम से ट्राई कर रही हूं, एंड दिस इज लिटरली माय डे टाइम स्किन केयर रूटीन। एंड यू कैन सी मैंने इनको जब यूज करना स्टार्ट किया था तो मेरी स्किन कैसी लग रही थी, एंड आफ्टर बीइंग वेरी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट विद माय स्किन केयर रूटीन week 4 week 5 में आप देख सकते हो मेरी स्किन कैसी लग रही है। इट इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। नाउ इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन तो होनी ही चाहिए, विच इज अ मस्ट इन समर्स टू अवॉइड सन डैमेज। सो एंड माय स्किन केयर रूटीन विद माय फेवरेट द डर्माकोज 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। ये एसपीएफ 50 है विद PA++++ फॉर्मुलेशन। आई लाइक दैट इस वेदर में ये सुपर लाइटवेट है मेरी स्किन पे। इट हैज अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुला एंड यू कैन सी दैट इट लीव्स नो व्हाइट कास्ट एट ऑल। ये जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है ना हाइलुरोनिक एसिड का, विटामिन ई का, इट हेल्प्स फाइट सन डैमेज, जिससे मेरी स्किन मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है। नाउ ऑल प्रोडक्ट्स बाय द डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री एंड दे ऑल्सो हैव अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने 15,000+ स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है दिस ईयर। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। अगर आपको मेरा ये स्किन केयर रूटीन लेना है आप डर्माको की वेबसाइट पर जाके ले सकते हो। यू कैन यूज माई कोड Aditi2024 फॉर 20% ऑफ। इन सब पर डिस्काउंट मिलेगा आपको। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन नायका, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल विदाउट द डिस्काउंट कोड ऑफकोर्स। ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैंने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे टैग कर दिए हैं। आई एम जस्ट क्विकली गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ लिप टिंट एंड जस्ट थोड़ा सा ना ब्रश माई ब्राउज टू लुक प्रेजेंटेबल एंड लेट्स गो। Mom will tell you guys where we're going. आज हम कस्तूरी ज्वेलर जा रहे हैं। क्यों? मैंने एक साल पहले किट्टी डाली थी पर मंथ 10,000 की, तो अब ये नेक्स्ट मंथ ही हो जाएगी। तो उन्होंने बोला था एक मंथ पहले ही बेशक ऑर्डर दे देना पसंद करके, भाई क्या चाहिए क्या नहीं। तो इसको बड़ी मुश्किल से मना के लेके जा रही हूँ। आई वाज लाइक इतना टाइम है अभी बर्थडे में, अभी क्यों जा रहे हैं हम, इट डजंट मेक सेंस। बट देन मॉम टोल्ड मी दैट गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं एंड क्या पता जुलाई तक कहाँ आसमान छूने लगे। सो इसी टाइम पे ले लेना चाहिए अगर कुछ लेना भी है तो। सबसे बड़ी बात है 30 की हो रही है इस साल, तो कुछ हम स्पेशल करना चाह रहे हैं उसमें से वन ऑफ ये वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा कि भाई इसको अच्छा सा कुछ इसकी पसंद का ले दें। स्वीट मम्मी ने एक साल से जमा कर करके किट्टी डाली हुई है। अब मेरे को शुरू में आइडिया नहीं था, बीच में मेरे को पता चला कि अच्छा किट्टियाँ भी डल रही हैं। नहीं पर ये अलग बात है कि जब डाली थी तब गोल्ड का रेट इतना कम बहुत कम था, बढ़ गया। अब देखो क्या ले पाते हैं क्या। सो माय मॉम टोल्ड मी एक दो दिन पहले कि थोड़े से डिजाइन वगैरह सोच के रख, हम जाएंगे एंड मेरे को पकड़ के आज मम्मी लाई है। सो लेट्स सी, चलते हैं कस्तूरी ज्वेलर्स। Yeah, I have read all about
आई हैव डिसाइडेड ऑन दिस डायमंड बैंड वाली रिंग एंड बाकी तो हम ऑर्डर पे बनवा रहे हैं बर्थडे के लिए. The next day. Hi guys, it is the next day and I have a very very bad news for you guys. I had to film today but I cannot because फिर से बी अटैक हो गया है. हमने सोचा हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी बट लुक एट दैट सो मेनी बीज. अभी दिवाकर ऊपर चढ़ के देख रहा है. वहीं से निकली निकली ना. हाँ वो देख खुला है वहाँ से. ओह शिट यार अटैक है. बी अटैक पीछा कब छूटेगा इनसे. वी रियली डोंट नो कि क्या चीज रह गई. दिवाकर को काट गया तो तू थोड़ा कवर तो हो जा. ठीक है उसको आगे कर दे. दिस इज इनसेन. सो गाइस स्टूडियो के अंदर अभी ये सारा ब्लॉकेज चल रहा है. ये जो आपको फॉल सीलिंग के अंदर का एरिया दिख रहा है ना, वहाँ बाहर से बहुत मधुमक्खी आ रही थी एंड छत्ता था. रोज मुझे यहाँ पे तैरती हुई मिलती थी. यहाँ पे पूरा जो दरवाज़ा है इसके अंदर जो स्लाइडर डोर है ना, यहाँ पे उनकी बॉडीज होती थी. बट अब हम सब ब्लॉक करा रहे हैं एंड होपफुली अब वो नहीं आएंगी. नीचे जा रही हूँ मैं. गाइस आज तो स्टूडियो बंद करना पड़ेगा. डोंट थिंक आज वहाँ पे काम हो सकता है. बहुत 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 ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो गई. आई डोंट नो क्या इरिटेट हो गई हैं. वट एवर इट इज़ मैं तो घर के अंदर आ गई. ऊपर धूप भी बहुत थी. मम्मी भी ज़्यादा धूप में बाहर नहीं जा सकती सो हम आ गए हैं. ओके सो बेसिकली मेरे स्टूडियो के जो ऊपर फॉल सीलिंग ढकवाई है जिसमें थोड़ा सा होल था, आई थिंक द होल इज़ स्टिल देयर बिकॉज पापा कह रहे हैं उसी पॉइंट से निकल रही है. मैं तो ज़्यादा देर अंदर जा नहीं पाई. एंड दिवाकर कह रहे हैं कि ये जो पंखा होता है ना उसके ऊपर ये जो दीवार का छोटा सा होल है मेरे स्टूडियो में वो खुला है तो वहाँ पे छत्ता बना हुआ है. एंड वी रियली डोंट नो क्या चीज़ है. सो अब हम दोनों रास्ते ब्लॉक कराने वाले हैं. आई हैड टू फिल्म सो मच टुडे लाइक, बट कोई बात नहीं घर में कर लेंगे. आई थिंक ये दो तीन दिन और का प्रॉब्लम है बट वील हैव टू सी बिकॉज जो छत्ता होता है उसमें हज़ार 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 लेयर्स मधुमक्खियाँ होती हैं और ये शहद वाली मधुमक्खियाँ हैं. सो क्वीन बी को ढूंढना पड़ेगा आई गेस. आई कीप यू गाइस पोस्टेड. बट दिस बी अटैक इज़ नॉट स्टॉपिंग. दे विल नेवर लीव मी अलोन. मुझे ऐसा लग रहा है लाइक दिस इज़ माई वर्स्ट नाइट मेयर. बग्स, छिपकलियाँ, मधुमक्खियाँ, इंसेक्ट्स. ओके आई सी यू गाइस लेटर. कैसा लग रहा है मम्मी? अरे ये तो सारा खराब ही हो गया. सीलन सीलन देखो नीचे कितना ज्यादा स्मेल, मतलब थोड़ी स्मेल भी आ रही है उसमें ना सीलन. मेरी नाक को कुछ नहीं सूंघ रहा बट सबको पापा मम्मी एवरीवन वाज लाइक सीलन की स्मेल आ रही है. हमारे नया छत पे थोड़ा टाइल्स का इशू हो गया था जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे एंड जब पिछले साल बरसात हुई थी तो यहाँ पानी पधार गया था. सो इसलिए वो लकड़ी की चीज खराब हो गई थी. ऑल्सो गाइज मैं सोच रही हूँ कि जो बाहर ये निकला हुआ था ना उसको हटवा के यहाँ पे फिश स्केल वाली टाइल ऐड कर दिया जाए. हमने यहीं कहीं से ली थी टाइल. उनको हमने बोला है कि अगर आपके पास हो, पहले तो उन्होंने मना कर दिया था. सो वी वर लाइक के ठीक है ऐसे ही बनवा लेंगे नया कलर में. बट नाउ वी आर लाइक आपके पास अगर सैम्पल टाइल भी होना तो प्लीज़ दे दो. तो अभी वो एक घंटे में हमें बताएंगे. वी आर जस्ट स्ट्रिपिंग एवरीथिंग इन आर हाउस राइट नाउ. मेरे रूम और मैं क्यों शिकार बनी हूँ? मेरे रूम का ये हो रहा है और मेरे स्टूडियो में बी अटैक हो गया. बाकी सबके रूम ठीक है बट मैं जिसने एस्थेटिक के चक्कर में वो मैं व्यू वाला कमरा लूंगी, मैं अपना स्टूडियो ऊपर छत वाला लूंगी, मेरी छत मेरा ये मेरा वो करवा ली बेइज्जती. सबसे पहले हम इसके पीछे भी टाइलें लगवा लेंगे ना. कल को फिर अगर बाय चांस पानी आए या बहुत ज्यादा रेन वगैरह का हो तो खराब नहीं होनी चाहिए लकड़ी. बट मेरा अभी मेन फोकस ये है कि ये फिस्केल वाली टाइल मिल जाए क्योंकि अगर ये टाइल निकाल के हम लगा देंगे बिकॉज पहले यहाँ पे टीवी कैबिनेट के लिए होता था तो दैट डिजाइन मेड सेंस देन. बट अभी अलग सा निकला हुआ अच्छा नहीं लगता है. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कहीं से मिल जाए. मैं तो ये भी बोलने लगी थी नई सारी फिस्केल टाइल ले लेते बट बहुत खर्चा हो जाता है एंड आई डोंट वांट टू डू इट. सो
yeah. 1 hour later. Look at that. Oh my God. पापा कहीं से लेके आ गए हैं मेरे लिए, एक टाइल मिली है, एक ही मिली है सिर्फ सैंपल टाइल, उनके पास ये है नहीं, आना स्टॉक बंद हो गया है, जस्ट वन टाइल, वी कांट मेस दिस अप यू गाइस, यहाँ लगेगी, ये फाइनली मम्मी रूम अपडेट यू गाइस, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया था, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस बार मैंने जो ये बोर्ड है ना, आई हैव चोजन अ ग्रे वन, बिकॉज आप मेरे दरवाजों में देखोगे तो यही ग्रे एलिमेंट है, तो मैंने बहुत मुश्किल से सेम ग्रे कलर चूज़ किया, आई डेंट वॉन्टेड टू बी टू वाइट एंड वुडन वाला, इट डेंट मेक सेंस, वो पहले से बना हुआ था तो इसलिए मैंने रहने दिया, बट नाउ दैट वो ख़राब हो गया, उसका किस्मत में था ख़राब होना, तो नाउ आई हैव डन दिस ऑल्सो। दिस रूम इज सो फुल ऑफ मिट्टी, लाइक मैं चल रही तो मुझे लग रहा है मैं फिसल जाऊँगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, ऊपर टाइल लग गई है, ये वाला एरिया पेंट हो जाएगा POP होके, एंड इसके बीच में जो वो फट्टे आएंगे ना कॉलम्स के लिए, वो अभी गए हैं लेके, पुराने वाले हम यूज़ कर रहे हैं जो पहले लगाए थे, उसके बस ऊपर से वो प्लाई हटा के, बोर्ड हटा के हम वो ग्रे वाली डाल देंगे, एंड देन दे विल जस्ट ड्रिल इट एंड सारे फट्टे वापस आ जाएंगे, तो आज पूरे दिन में ये काम खत्म हो जाएगा होपफुली शाम तक। आई एम सो हैप्पी, आई विल गेट माय रूम बैक। वन इटर्निटी लेटर गाइस, द वर्कर्स आर गॉन, फाइनली वी हैव आवर स्पेस टू आवरसेल्व्स, एंड this is what the new shelf looks like, it's matching with the curtains and it's also matching with this grey accent jo hamari doors pe hai, and simba ko khujli ho gayi hai so ab pura gand phail gaya hai mere is cupboard ka, aadha wahan pe hai guest room mein, aadha yahan pe bichhaya hua hai, aadha mein mitti lag gayi thi, humne ek ek cheez ko leke saaf kiya, so let's just set up this space। What crazy 2 days, you guys. I think it's time to end the vlog. मैं फटाफट से आप लोगों को दिखाना चाहती थी that Myntra की ORS sale में से मैंने 2-4 चीज़ें और मंगाई थी. Basically, Ishan asked me to pick out a few t-shirts for him and एक चीज़ मैंने अपने लिए मंगाई है, बाकी आपने मेरा पिछला Myntra haul देख लिया होगा कुर्ती वाला. If you haven't watched it, please go check it out. Also, loving this space right here. I'm just really enjoying ये जो light and fish scale everything. I know आप लोगों ने मेरा bedroom tour देखा है, but ये वाला change हो रहा था तो मैंने सोचा life updates दे ही दूँ. So the thing that I got for myself is a very cute backpack. आजकल ऐसे टाइप के जो क्या बोलते हैं इनको, रैटन टाइप का मटेरियल होता है वो बहुत चल रहा है. ये लुक रैटन की है, बट आगे से अगर आप देखो तो ये थ्रेड वर्क पूरा एम्ब्रॉयडर्ड सा दिया हुआ है, बट ये टैन वाइब बहुत ही अच्छी लगती है. इस टैग को मैं अभी निकाल लूँगी, इट्स सो प्रिटी. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आता है, ऐसे बकेट स्टाइल में है ये, एंड आई जस्ट नीडेड अ वेरी क्यूट बैक पैक. आई एम प्लानिंग अ ट्रिप सून, सो उसमें आई थिंक डेफिनेटली ये काम आएगा, एंड इट इज़ सो क्यूट. मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके, देन फॉर ईशान आई गॉट दिस शर्ट, इतनी प्यारे इसमें प्रिंट है. आई नो ईशान ज़्यादातर डार्क कपड़े पहनता है एंड ब्लैक इज राइट अप इज एली, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू एड अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स इन हिज शर्ट. सो ये बटन वाली शर्ट है जिसके अंदर ऐसे ऐसे थोड़ा व्हाइट एंड बेज सा प्रिंट दिया हुआ है, एंड आई थिंक दिस इज सुपर डुपर स्मार्ट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस टी शर्ट राइट हियर, गोइंग विद द थीम ऑफ डार्कर कलर्स, दिस मरून एंड वाइन सॉर्ट ऑफ कलर विल रियली रियली सूट हिम. इसके ऊपर ऐसे गोल गोल सा प्रिंट है, एंड आई फील लाइक इट इज़ मिनिमल, एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स. बाकी वो आएगा कल पहन के मुझे दिखाएगा, जो चीज़ उसके साइज़ की होगी वो मैं रख लूँगी, नहीं तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ट्राई इट फर्स्ट. उसका वैसे आ जाने का प्लान था बट ही गॉट बिजी. देन द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज समथिंग पर्पल. दिस आई गॉट फॉर रवि एज वेल एज ईशान, एंड ये पहले मुझे लगा था कि मैं रवि के लिए लूँगी बिकॉज ऑफ दिस गाय. यहाँ पे लिटिल डूड है जिसने ऊपर ना ऐसे हेडफोन्स लगाए हुए हैं, एंड लिटरली जब रवि शाम को वॉक करने जाता है मेरे पेरेंट्स के साथ, उसको वॉक कराने का यही लालच हम देते हैं कि कानों में वो पंजाबी गाने सुनेगा. सो ही हैज़ दिस ह्यूज हेडफोन जो लगा के अपनी धुन में पूरे यहाँ पार्क में चलता रहता है, एंड रवि जस्ट लुक्स लाइक दिस गोलू मोलू गाय राइट हेयर विद हेडफोन्स. तो तभी मैंने रवि के लिए मंगाया, बट आई ऑल्सो थॉट कि ईशान के लिए भी अच्छा रहेगा बिकॉज इसके पीछे लिखा हुआ है सोशल इंट्रोवर्ट. लुक एट दैट,
ये इसकी बैक साइड है एंड यहाँ पे लिटिल डूड अब बिग डूड हो गया है. सो काफ़ी सुंदर ऐसे ग्राफिक टी है. आई फील लाइक मेरे ऊपर भी बहुत अच्छी ऐसे ओवर साइज सी बन सकती है एंड आई ऑल्सो लव दिस कलर. इट्स नॉट टू गर्ली बिकॉज ये काफ़ी डार्क है बट या आई होप ईशान लाइक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दीज वर ऑल द मिनी थिंग्स दैट आई गॉट एंड आई कीप यू गाइज पोस्टेड. जब भी वो पहनेगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ऑलराइट यू गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज इंजॉयड दिस वेरी वियर्ड. आई डोंट इवन नो मैंने कब क्या क्या व्लॉग किया है एंड व्हाइल आई एम एंडिंग दिस व्लॉग मुझे याद भी नहीं है मैंने इस व्लॉग में आपको क्या क्या दिखाया. दो दिन बिल्कुल रोलर कोस्टर थे मेरे लिए. बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, बीच में लाइट नहीं आ रही थी, हमारा इंटरनेट बीच में खराब हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा मैसी सिचुएशन हो गई थी. बट नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड एंड ऑल्सो दिस इज लुकिंग सो मच बेटर. सो मेक श्योर कि आप अगर चैनल पर नए हो, मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब टू दैट क्वर्की मिस एंड क्वर्की स्क्वाड का पार्ट बन जाइए क्योंकि हम नई वीडियो डाल देते हैं एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह. यू गाइस नो इट, 11 बजे. हिट द बेल बटन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thatquirkymiss. टिल देन अपना ध्यान रखना, गर्मी है तो हाइड्रेट करते रहना अपने आप को, तबीयत मत खराब करा लेना एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.